अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे चिकन अफगानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजीली बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है। सो यहाँ पे मैंने 2 किलो चिकन लिया है। आप अपने हिसाब से जितनी भी क्वांटिटी लें तो सामान उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये है 2 किलो चिकन, जो कि मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हमें मैरिनेट करना है करीब आधा घंटा। इसमें हम डालेंगे 1 नींबू का रस। आप जितना भी चिकन लें फिर मसाले उस हिसाब से ही डालिएगा। अभी इसमें जो मेन मसाला है मैरिनेशन का, वो भी हमें बनाना है। और इसमें डालेंगे हम नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालेंगे और इसको हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो ये हमारा मसाला मिक्स हो गया है। अब जब तक ये आधे घंटे मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम ये मसाला इसका बना लें। जहाँ पे मैंने 1 कप पुदीना, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा धनिया, 25-30 काजू जो कि मैंने तोड़ लिए हैं, 2 बड़ी साइज़ की प्याज और 8-10 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस सबको हमने पानी डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। सो यहाँ पे अब मैंने लिया है 2 कप दही और 1 कप मलाई। यहाँ पे मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम यूज़ करी है। आप घर की दूध वाली मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मेक श्योर देर आर नो लम्स इन इट। और फिर ये जो मसाला हमने पीसा है इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो बेसिकली दिस इज द एक्चुअल मैरिनेशन। सो हमारा इसमें अब हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर। और इसमें हम अच्छी अमाउंट में कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे और इसको भी अच्छे से एक विस्क की मदद से मिक्स आउट कर लेंगे। ट्रस्ट मी, बहुत ही बढ़िया बनता है ये इस रेसिपी से अफगानी चिकन। सो ये मैरिनेट हमारा तैयार है, आधा घंटा हो चुका है। अब हम इस चिकन में इस मैरिनेट को डाल देंगे और इस चिकन को अब हम 1 घंटा या 2 घंटा मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। आपके पास अगर कम टाइम हो तो कम से कम एटलीस्ट आधा घंटा तो ज़रूर मैरिनेट करें। इसको हम अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। सो 2 घंटे हो चुके हैं मैरिनेशन के। अब हम इसको एक एक करके शैलो फ्राई करेंगे पैन पे पीसेस को। थोड़ा मीडियम आंच पे इसे फ्राई करिएगा ताकि ये जले ना। सो एक तरफ से हो गया है, ऐसे पलट पलट के हम दोनों तरफ से चिकन के पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा लॉट भी फ्राई कर लेंगे चिकन का। इस टाइम इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि दिल कर रहा है ऐसे ही खा लें। सो हमारा पूरा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब एक बर्तन में हम तेल डालेंगे और तेल के साथ ही हम डालेंगे थोड़ा बटर। बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो बटर ज़रूर डालें। जैसे ही बटर हमारा मेल्ट होगा हम कुछ खड़े गरम मसाले यूज़ करेंगे। जहाँ पे हमने थोड़े पेपरकॉर्न्स लिए हैं, थोड़ी छोटी इलायची ली है, दालचीनी की लकड़ी ली है और एक बड़ी इलायची ली है, इसको हम डालेंगे और एक बार चलाएंगे। जैसे ही हमारे गरम मसाले भुन जाएंगे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। सो जैसे ही हमारे सारे मसाले भुन जाएंगे हम इसमें डालेंगे अपना मैरिनेट, जो कि ज़रूर बचता है जब आप चिकन फ्राई करेंगे तो बर्तन में मैरिनेट बचता है। वो मैरिनेट ही हम इसमें ग्रेवी की तरह यूज़ करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। सो बर्तन में जो मैरिनेट लगा था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे।
5-6 मिनट। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसमें लाल मिर्च नहीं पड़ती है। जब ऐसे खोल आने लगे हमारी ग्रेवी में, तब हम अपने फ्राइड किए हुए चिकन इसमें डालेंगे। और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब इसको अच्छे से एक बार चला के, आप अगर स्टेज पे पानी ऐड करना चाहें अपनी ग्रेवी को थोड़ा पतला करने के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू। मैंने यहाँ पे आधा ग्लास पानी यूज़ किया है। और एक बार पानी डाल के भी अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और फिर ढक कर हम इसे पकाएंगे करीब 20-25 मिनट, जब तक हमारा चिकन ना गल जाए। तो 20 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार इसको चला के देखेंगे। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। सो चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक बोल में सर्व करते हैं। सो ये देखिए चिकन अपानी हमारा बिल्कुल रेडी है। और सीरियसली ये बहुत बढ़िया रेसिपी है, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय।